जाएंगे कि ये जो एल्बम है कैसा अनुभव था इसमें काम करने का, और क्या बेसिकली थीम क्या है इस एल्बम का? पहली बात कि हम सबसे मतलब हम साथ में हम कार्य साथ में हैं, काम करके फर्स्ट बहुत टाइम है ये अच्छा लगा। हमारा। और यस गाने का थीम रोमांटिक है, बहुत ही स्वीट सा है, बहुत ही एक शुरू मतलब जो गाना है बहुत अच्छे से शुरू होता एक है, बहुत प्यारी सी क्यूट लव सा है स्टोरी है। और एक अच्छे नोट पे एंड हो जाता है। और यस मेरा फेवरेट पार्ट है एंड वाला। और तुम्हारा? हाँ, एंडिंग पार्ट वाज माय फेवरेट टू, जिसमें शूट करने में हमें कम से कम 10 रीटेक्स लगे थे। और आई डू रिमेम्बर कि डायरेक्टर वाज शाउटिंग ऑन मी, और खास तो बात ये है कि वही पार्ट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था शूटिंग का, या हमने डाला था ना सोशल मीडिया पे, तो वो एक्चुअली बहुत दैट ज्यादा वायरल हुआ था। हमारी मैरिज। सर मेरा आपसे इंट्रोडक्शन लेकर जाना चाहूँगा इस एल्बम के बारे में, कैसे आपका महसूस है? नाम क्रांति शानबाग है और मैं आरडी बीट्स का ओनर और गाने का प्रोड्यूसर हूँ। मैं को तो गाने अगर आप देखोगे तो गाने का मुझे स्टार्ट से जहाँ से गाने की जर्नी शुरू होती है, ये पूरा एक जर्नी है गाने का, जहाँ पे एक एंड होता है। इनको तो एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इनका स्टार्ट का जो इनकी तो कॉलेज लाइफ भी दिखाई है, आपको शायद गाने भी दिखेगी क्योंकि कॉलेज लाइफ में या उनके कॉलेज लाइफ से पहले स्कूल लाइफ भी दिखाई है, जहाँ पे आप एंजल को तो बहुत ही क्यूट देखोगे और दीपक तो ऑब्वियसली क्यूट है, वो एंड तक ही क्यूट है, लेकिन एंजल की जर्नी जहाँ से स्कूल से लेके एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाती है और वहाँ से उसको फिर दीपक मिलता है, कैसे मिलता है, ये पूरी जर्नी है गाने में। ये भी जानते हैं ये दोनों को कास्ट करना कोई पर्टिकुलर रीजन था एज एन पेयर, आपको लगे कि हाँ बहुत ही ओरिजिनल लगेंगे ऑन स्क्रीन? 100% मतलब ऑब्वियसली एंजल बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, दीपक भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सो दोनों को कास्ट करने में लगा कि दो एक इन्फ्लुएंसर फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इतने अच्छे पेयर बन के एल्बम में आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो अभी लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, लेकिन फिर भी आप क्या मानते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आज का मार्केट है उससे आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या टीवी प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या और ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यही गाना हो गया, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए मुझे इतना मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और इसलिए मतलब सोशल मीडिया ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया देता ही है, जस्ट बिकॉज दैट द फ्यूचर इज़ ऑफ सोशल मीडिया। जो हम आज से 10-20 साल बाद देखते हैं वो सोशल मीडिया है, तो वो आज दे रहा है तो 20 साल बाद भी देगा। अगर आप उसमें अपना टाइम उतनी उतना अपना टाइम इन्वेस्टमेंट उतनी प्रॉपर चीज़ अगर आप देते हो, आज हम यहाँ बैठे हैं तो उसकी वजह से बैठे हैं। इसके अलावा भी अगर देखोगे ना, मतलब सोशल मीडिया में बहुत से लोग हैं जो इतने अट्रैक्टिव है, इतने ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब टचवुड किए दोनों जो हमें मिले इन्फ्लुएंसर के अलावा, दे आर गुड लुकिंग, दे आर अट्रैक्टिव, दे आर प्रेजेंटेबल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऑलरेडी कम आउट इन द सॉन्ग। मतलब आप किसी को भी लेके बना बनाओ गाना इतना अच्छा नहीं बनेगा शायद जो ये गाना बन चुका है। पर इन्फ्लुएंसर जो वर्ड है, इन्फ्लुएंसर माने किसी को इन्फ्लुएंस करना, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, व्हाई नॉट सोशल मीडिया एक्टर, वो वर्ड क्यों नहीं याद हुआ आपको लगता है? बिकॉज वो लोगों ने दे दिया है कि इफ़ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉलोअर्स देन यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, दैन डेट नॉट सेम अप्लाइज टू अ यूट्यूबर, दे आर नॉट कॉल्ड सो इन्फ्लुएंसर, कि तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी वन हैज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन ऑन सोशल मीडिया, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्मॉल चिल्ड्रंस पीपल्स एवरी वन। सो कि आपका तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फील्ड में नाम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बॉम्बे टाइम्स तक ने आपको कवर किया था, कितनी खुशी मिली थी जब बड़ी मीडिया आपको कवर करती है, आपके बारे में लिखती है, और अक्षय का भी साथ में आपके एक फोटो ओह गॉड, मेरे लिए बहुत मैं बहुत उस दिन खुश हुई थी। मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब सुबह मैंने देखा और मेरी मॉम ने बताया कि आशु भाई कि ये, मैंने बोला ओह गॉड ये क्या है, मतलब मैं बहुत ही मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि बॉम्बे टाइम्स में ऐसे न्यूज़ आए आर्टिकल्स है, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें, इतना प्यारा सॉन्ग दिया और फाइनली रिलीज हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं वो सर सत्या सर को आई वाज आस्किंग फ्रॉम मेनी डेज कि सर सॉन्ग रिलीज करोगे या नहीं करोगे, सर सॉन्ग रिलीज करोगे या नहीं करोगे। एंड इवन जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग भी हैं वो सारे इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि जब हमने सॉन्ग की शूटिंग करी तो हमने वीडियोस भी अपलोड करी किसी और साउंड के साथ, तो लोगों ने हमारा लुक इतना पसंद किया और लोगों को लगा
था कि अब क्या आने वाला है, कुछ नया, तो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उस चीज़ ने हमें बहुत एक्साइटेड किया कि गाना देवर कन्फ्यूज कि हमारी शादी हो गई, क्या हो गया, दे डोंट नो एनीथिंग. यूट्यूब पे आई वाज सर्चिंग दीपक की शादी, एंजल की शादी, दैट वाज इन सर्चेस. आप अपने बारे में बताइए दीपक, एंजल का इंटरव्यू मैंने कई बार लिया है, आपका क्या बेस है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ बताइए उस बारे में. एक्चुअली आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंसर एज ऑल से एवरीवन सेज. मेरा भी सोशल मीडिया पे तो 2.4 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, एंड आई डू यूट्यूब टू. और हाँ, मेरे भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, वेब सीरीज एंड 2-3 सॉन्ग्स एंड मेनी मोर. आपका कैसे, मतलब कोई प्रोजेक्ट इसके अलावा कोई और मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकती आप लोगों को बताने के लिए. आई गेस वो दिसंबर में ही आ जाएगा, सो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. और उसके साथ ही और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, तो मैं आपको सोशल मीडिया पर अपडेट दूंगी. सर आपसे आगे का, अब तो ऑलरेडी हमने आरडी बी जो म्यूजिक लेबल शुरू किया, इसमें 3 सॉन्ग्स ऑलरेडी रिलीज कर दिए, हमारा 4th सॉन्ग है. हमारे पास 3 सॉन्ग्स ऑलरेडी शूट हो गए, रेडी हो गए पड़े. उसमें उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो लिरिक्स के साथ हमारे पास म्यूजिक के साथ बने पड़े हैं. तो अब हमारा प्लान है कि एवरी मंथ हम 2-3 सॉन्ग्स अपने इस म्यूजिक लेवल में रिलीज करते हैं. और ये भी जान जाऊँगा कि म्यूजिक वीडियो मार्केट में अभी बॉलीवुड स्टार्स का ही है. अभी देखिए अक्षय का जो वीडियो आया था वो सबसे टॉप रेटेड वीडियो आज के जमाने में. तो क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ में बॉलीवुड स्टार्स का होना कितना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होता है? इन्फ्लुएंस मतलब जो पब्लिक को जो पसंद है वैसा. तो अभी तब देखो पब्लिक थोड़ी चेंज, टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो गई. जैसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, मैं तो उनसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मेरे लिए तो ये लोग एक्टर ही है, मतलब इन्फ्लुएंसर तो पब्लिक ने उनको नाम दिया. मेरे लिए एक्टर ही, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर का नाम है कि एक्टिंग कर रहे हैं, किसी का रोल निभा रहे हैं. तो आज ये लोग भी उतने ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं जितना ऑब्वियस जितना अक्षय का, तो उतना नहीं कर रहे हैं लेकिन कम भी नहीं कर रहे ऐसा देखा जाए. तो आपका गाना आज रिलीज भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने होने नहीं दिया मेहरबान. सॉन्ग इतने टाइम बाद रिलीज कर रहे हैं इनको, एक्चुअली किसी पे मेहरबान होने का भी टाइम है. अभी तो उनका करियर शुरू हुआ है, बहुत आगे जाना है. उसके बाद शायद लाइफ में कुछ कोई अगर मेहरबानी किसी के किसके ऊपर होगी तो वक्त ही बताएगा. इसके बाद आपके स्टार्ट होने वाले हैं किसी दूसरे सॉन्ग में, ऐसा कुछ है दोनों की जोड़ी आने वाली है? वो हमारा ये सॉन्ग और ये सर बताएंगे. लास्टली एक और कमेंट जाना चाहूँगा, आप दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के जनरेशन में जो बंदे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जितना ऑब्सेशन है, तो आपको लगता है एजुकेशन को साइड लाइन कर देते हैं, तो उस बारे में बताइए कितना जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ ये जो भी आपका पैशन है उसको कंटिन्यू करें. एजुकेशन तो हम दोनों की चल रही है एंड हम दोनों ही उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं. और एवरीवन वांट्स टू लर्न, सब सीखना चाहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं. तो पढ़ाई हर फील्ड में ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के आपको कुछ समझ नहीं आएगा. यू कांट बिकम लाइक, आपको पढ़ाई लेना लेकर चलना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी एंड एंजल टू. तुम क्या कहना चाहोगे? नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही है जो हमें आगे लाइफ में बढ़ाता है. तो उसे ख़त्म करना तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. तो हर चीज़ साथ में बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है.